वालेकुम फ्रेंड्स हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ब्लोच एडिट्स यूट्यूब चैनल तो गाइस आज की वीडियो आपको सिखाने वाले हैं कि हम कुछ इस तरह से थंबनेल कैसे बना सकते हैं इस थंबनेल से आपका CTR बढ़ने वाला है CTR कहते हैं क्लिक थ्रू रेट जब भी आपकी वीडियो किसी के सामने जाएगी तो बहुत सारे लोग इस पर क्लिक करने पर मजबूर हो जाएंगे वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले तो वीडियो को एंड तक देखना चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं पिक्स आर्ट एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं घबराना ईजी वे में आपको सिखाऊंगा बस वीडियो को एंड तक देखना तो फ्रेंड्स इसके लिए पिक्स आर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस आता है अपने फ्रेंड सिंपल करना है कि यहाँ पे नीचे आपको एक प्लस का आइकन मिलेगा इसके ऊपर आपने टैप कर देना है इसके ऊपर आप जैसे टैप करेंगे तो आपकी फोटो जिस पर आप इस तरह का थामले बनाना चाहते हैं वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी ठीक है इसको आपने इस तरह से टैप टैप करना है टैप करने के बाद आपने नीचे टूल के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको कर लेना है क्रॉप तो क्रॉप आपने सिंपल यहाँ पे जो यूट्यूब वाला रेशो होता है वो सेलेक्ट कर लेना ठीक है इसको सेलेक्ट करने के बाद अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना ठीक है अपनी फोटो को और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है यहाँ पर जो आपका थम का रेशो है वो यहाँ पे सेट हो चुका है इसके बाद फ्रेंड्स आपने सिंपल करना क्या आपको साथ में ऑप्शन मिलता है इफेक्ट का इस इफेक्ट के बटन पर क्लिक करें नीचे और यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट इसको सेलेक्ट करें और सेकेंड नंबर वाला इफेक्ट इस पर अप्लाई कर दें उसके बाद फ्रेंड्स आपने ऊपर टिक के बटन पे क्लिक कर देना है टिक के बटन पे क्लिक करने के बाद अपने फ्रेंड सिंपल करना क्या है यहाँ पे आपने आ जाना है स्टीकर में स्टीकर में आने के बाद यहाँ पे आपने एक स्टीकर यहाँ पे सर्च करना है जिसका नाम है विगनेट ठीक है ये देख सकते हैं बहुत सारे विगनेट यहाँ पर आ जाते हैं बट हम वो वाला लगाएंगे जो साइड से बिल्कुल हल्का हो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ये रहा ये हमारा विगनेट का ऑप्शन है ठीक है इस विगनेट को सेलेक्ट करें साइडों से ये बिल्कुल हल्का कलर है ये नहीं है कि आपकी वीडियो को ब्लैक कर देगा ठीक है इसको इस तरह से एडजस्ट करना एडजस्ट करने के बाद दो उंगलियों की मदद से आप अपनी वीडियो को इस तरह से कर सकते हैं ठीक है छोटा जूम इन जूम आउट आप दो उंगलियों की मदद से इस तरह से कर लेना ठीक है और उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है फिर इसी विगनेट को सेलेक्ट करना है इस तरह से और यहाँ पे इस लेयर वाले बटन पे क्लिक करना है अब बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं जब भी ये यहाँ पे विगनेट को अप्लाई करते हैं ठीक है यहाँ टिक, टिक के बटन पे क्लिक कर देते हैं भाई टिक के बटन पे आपने बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल भी आपने क्लिक नहीं करना सिंपल स्क्रीन के ऊपर टैप करना है आपका जो सेलेक्टेड होगा वो अनसेलेक्ट हो जाएगा ठीक है इसको आप सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इस लेयर वाले बटन पे क्लिक करना है इसको करना है डुप्लीकेट डुप्लीकेट करने के बाद फ्रेंड्स आपने सिंपल यहाँ पे इसको दोबारा ऐड कर लेना है विग्नेट को इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे ऐड करने के बाद इतना काम हमारा हो चुका है तो अब आपने फ्रेंड्स सिंपल दोबारा से स्टिकर के बटन पे क्लिक करना है स्टिकर के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च तो कर लाइट लाइट मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है अब वाइट लाइट कौन सी सेलेक्ट करनी है ये भी आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लेना है अब नीचे ड्रैग करेंगे ठीक है ड्रैग करते जाएंगे आपको यहाँ पे ये यह लाइट मिल जाएगी जिसके बॉर्डर जो है वो शेडो होगी ब्लैक ठीक है इसको सेलेक्ट करना इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने फ्रेंड सिंपल नीचे आपको ये ब्लेंड का ऑप्शन मिलता है इस ब्लेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक मरतबा इस तरह का थामने लाभ बना लें फिर आपको ईजी रहेगा ठीक है यहाँ पर स्क्रीन कर देना ठीक है स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे तो इस तरह से ब्लैक इफेक्ट खत्म हो जाएगा और लाइट इफेक्ट को अपने प्लेयर के ऊपर इस तरह से आपने चिपका देना ठीक है तो यहाँ पे मैं इसको चिपका देता हूँ और यहाँ पे चिपकाने के बाद आपने इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेना क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बैड भी है ठीक है बैड भी है हेलमेट भी है तो इस तरह से इतना करने के बाद आपने फ्रेंड सिंपल करना है कि अब आपने फ्रेंड नीचे टेक्स्ट ये आपने ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है बैकग्राउंड के क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने बैकग्राउंड का वाइट कलर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ऊपर ऐड कर देना है ठीक है यहाँ पे ऐड करेंगे आपके सामने ये वाली एक शेप आ जाएगी अब इसको अपने फ्रेंड सिंपल करना कि नीचे जो क्रॉप वाला बटन है इस पर भी आप इसको क्रॉप कर सकते हैं वैसे आप इस तरह से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है तो मैं इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो ठीक है इसको आपने कुछ इस टाइप से रोटेट करना है थोड़ा सा रोटेट करने के बाद इस तरह से प्लेयर के ऊपर रख लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है उसके बाद आपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करना है तो ये इस तरह से अनसेलेक्ट हो जाएगा दोबारा इसको सेलेक्ट करना सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है ब्लेंड में ठीक है ब्लेंड बस सारा ब्लेंड का काम होगा ठीक है आपने बिल्कुल ब्लेंड को नहीं भूलना तो यहाँ पे आपने इसको कर लेना ओवरले ठीक है ओवरले करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपके सामने इसका इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स आपने सिंपल करना क्या है दोबारा ऐड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है ऐड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये इसको अनसेलेक्ट करना है फिर ऐड फ़ोटो पे क्लिक करना है ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद इस बार भी आपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट गर करना है लेकिन इस मरतबा आप अपने थंबनेल में कौन सा रंग रखना चाहते हैं कौन सा कलर रखना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से मैं येलो कलर सेलेक्ट करता हूँ ठीक है मैं येलो रखना चाहता हूँ आप जो भी रखना चाहें वो यहाँ पर रख सकते हैं ठीक है इसको इस तरह से आपने पकड़ना है इसको यहाँ पे आपने इस तरह से फिल स्क्रीन कर देना है ठीक है आपने पूरी फोटो के ऊपर ठीक है इस तरह करने के बाद आपने फ्रेंड्स यहाँ पे आना है ब्लेंडिंग में ठीक है ब्लेंड आपका ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे ब्लेंड और उसके बाद आपने इसको कर देना है मल्टीप्लाई जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका थमलर कुछ इस टाइप से बन जाएगा येलो कलर का ठीक है अब आ आती है इसमें टेक्स्ट ऐड करना है टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपने टी वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपने टेक्स्ट लिखना हो उसको लिख लेना ठीक है तो इस तरह इतना लिखने के बाद आपने पूरे टेक्स्ट को इस तरह से सेलेक्ट करना है आपने कीबोर्ड पे इस एरो के बटन पे क्लिक करना है तो ये इस तरह से कैपिटल हो जाएगा और उसके बाद आपने इसको ओके पे क्लिक कर देना है ओके पे क्लिक करने के बाद इसको भी रोटेट करना है उस शेप के हिसाब से जितने शेप आपने रोटेट की थी ठीक है और उसके बाद इसको इस शेप के ऊपर इस तरह से एडजस्ट करना ठीक है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करना है एडजस्ट करने के बाद आपने इस तरह से ऊपर से भी बढ़ा लेना है थोड़ा सा नीचे भी बढ़ा लेना ताकि आपका ये शेप के ऊपर आ जाए ठीक है शेप के ऊपर आने के बाद आपने फ्रेंड सिंपल करना क्या यहाँ पे इसका जो कलर है वो आपने यहाँ पे ग्रेडियंट देना है ठीक है यहाँ कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है कलर और उसके बाद नीचे आपको मिलता है ग्रेडियंट अब ग्रेडियंट को आपने क्या करना है जो ऊपर है वो ऊपर वाला येलो देना है जो आपके थम का कलर है ठीक है इस तरह से येलो देना है आप येलो किस तरह से सेलेक्ट करेंगे नीचे आपको एक पट्टी मिल जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली ठीक है इसके ऊपर क्लिक करके और ये जो ब्लैक है इसके ऊपर हम थोड़ी शेड देंगे ठीक है इस तरह से इसको इधर लेके आएंगे और पहले हमने ये येलो दिया था अब येलो से थोड़ा डार्क रख देंगे ठीक है ओके पे क्लिक कर देंगे देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है यहाँ पर अभी भी इसमें काम है तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना आपने फ्रेंड सिंपल करना कि नीचे आपने शेडो के बटन पे क्लिक करना है अब शेडो में भी तीन ऑप्शन है एक एडजस्ट है एक पोजीशन है एक कलर है जो पहली पहली लाइन है ठीक है इसको आपने सेवेंटी पे रखना है ब्लर को ठीक है और नीचे वाले पैसिटी को फुल कर देना है फुल करने के बाद पोजीशन पर आना है और पोजीशन पर आपने इस दोनों को जीरो कर देना है ठीक है ज़ीरो करने के बाद यहाँ पे कलर में आना है कलर में आने के बाद इसका जो है ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेना और इस तरह स्क्रीन के ऊपर टैप कर देना स्क्रीन के ऊपर टैप करने के बाद देख सकते हैं आपका इस तरह का थोड़ा कलर आने लग चुका है आपका ठीक है इसके बाद आपने फ्रेंड सिंपल करना क्या है यहाँ पर आपने कोई अगर इमोजी वैसे अगर लगाना चाहें तो आप इमोजी लगा सकते हैं बट एक इम्पॉर्टेंट बात बाकी है कि आपने आप इसमें अपनी फ़ोटो ऐड करनी है जो कि जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो तो वो किस तरह से ऐड करेंगे वो आपको सिखा देता हूँ तो एड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है ऐड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से ये ओरिजिनल फ़ोटो लेके आनी है और ओके पे क्लिक कर देना है ठीक है इस तरह इसको लेने के बाद आपने नीचे क्रोप वाले बटन पे क्लिक करना है और अपने प्लेयर की पूरी पूरी जहाँ तक आप रखना चाहें ठीक है उतनी आपने इसको क्रॉप कर लेना है अब ये बैट भी अंदर आ रहा है तो मैं इसलिए इसको इतना रख लूँगा और तो उसके बाद आपने टिक के बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन रिमूव बीजी इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और रिमूव बैकग्राउंड इसके ऊपर भी आपने क्लिक कर देना है अगर ये वाली पिकसर्ट एप्लीकेशन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर पेन पिन कमेंट पर आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है अब वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स सिर्फ इन्होंने हमारे प्लेयर की जो बैकग्राउंड है वो रिमूव किया बैट का रिमूव नहीं किया तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना ठीक है आपने फ्रेंड्स सिंपल करना क्या है इसी को आपने इस फ़ोटो के ऊपर अच्छे तरीके से एडजस्ट करना ठीक है बैड का निशान ख़ुद ब खुद यह आपके सामने आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया थोड़ा सा रह गया है तो इसको अच्छे तरीके से आपने एडजस्ट करना है आपको बार बार कह रहा हूँ ठीक है तो देख सकते हैं फ्रेंड बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है अब एक इंपॉर्टेंट काम बाकी है इस फोटो की हमने शेडो देनी होगी शेडो के ऑप्शन पे क्लिक करना है शेडो के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने वो वाली शेडो देनी है जो आपने अपने थम में कलर दिया है ठीक है अब इसकी जो शेडो है वो इस तरह से ये जो ब्लर रेडियस है आपने इसको थर्टी परसेंट रख देना और ओपेसिटी को हंड्रेड परसेंट रख देना ठीक है नीचे पोजीशन पे क्लिक करना पोजीशन पे मैं आप फिर कह रहा हूँ आपको क्या करना है जीरो दोनों को आपने यहाँ पे जीरो कर देना है ठीक है जीरो करने के बाद आपने फ्रेंड सिंपल करना क्या है इसका कलर जो है वो आपने येलो सेलेक्ट करना है अब येलो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ठीक है यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसका येलो कलर सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना ठीक है ओके पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आना है बॉर्डर में बॉर्डर में आने के बाद इस फोटो का भी आपने जो कलर है वो येलो सेलेक्ट करना है इसके ऊपर टैप करेंगे यहाँ से इसको येलो बनाएंगे ठीक है ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये येलो हो जाएगा इसकी जो अमाउंट है वो थोड़ी कम कर लेना ठीक है अगर आपको ज़्यादा लगे तो इतनी करने के बाद आपने फ्रेंड सिंपल करना क्या है ओके पे क्लिक कर देना यहाँ पे आपकी फोटो भी ऐड हो चुकी है यहाँ पे आपका टेक्स्ट भी ऐड हो चुका लास्ट एक पीएनजी रह गई है वो आपने ऐड फोटो पे क्लिक करना है यहाँ पे एक ओवर लिया आपने इसमें ऐड करनी होगी ये कुछ इस टाइप की ब्लैक ओवर लिया मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है ये वाली ठीक है इसको आपने बिल्कुल इस तरह से एडजस्ट करना है पूरे थम नील पे एडजस्ट करने के बाद आपने आना है ब्लैंड में ब्लैंड में आने के बाद सॉरी ये मैं कहाँ आ चुका आपने ब्लेंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है इसको कर देना स्क्रीन स्क्रीन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस आ जाएगा लेकिन आपको यहाँ पे ब्लेंड के साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट का इस एडजस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना नीचे कले के ऑप्शन पे क्लिक करके इस तरह से मैं इसको आराम से सिखा रहा हूँ आपको ठीक है इसको फुल कर देना फुल करेंगे तो इसकी जो क्लैरिटी है वो बढ़ जाएगी यानी कि इसके अंदर जो वाइट वाइट शेप है वो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी तो यहाँ पे आपने ऊपर टिक के बटन पे क्लिक कर देना क्योंकि हम एडजस्ट की लेयर में पहुँच गए थे अभी हमने टिक के बटन पे बिल्कुल भी नहीं क्लिक करना इसके बाद क्योंकि अभी भी हम इसी लेयर के अंदर हैं अब अपने फ्रेंड सिंपल करना कि इस ऑप्शन पर क्लिक करना है लेयर वाले में और जो अभी हमने ओवर ऐड किया उसको दो दफ़ा मूव डाउन कर देना ऐसे मूव डाउन ठीक है दो मरतबा बस अगर आपने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ थंबनेल बनाया है ठीक है उसके बाद आपने इसको ओके पे क्लिक करना है अगर इमोजी ऐड करना चाहें तो स्टिकर से जाके इमोजी भी ऐड कर सकते हैं बट हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है इसको आपने यहाँ पे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप इसको जे में सेव जे पी ठीक है सेव कर लिया तो यहाँ पर ये हमारे पास सेव हो चुके है अब लास्ट काम बाकी है जो कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट है आपने फ्रेंड सिंपल करना क्या है प्ले स्टोर में जाना है लाइट रूम अपल्लीकेशन को ओपन कर लेना है ठीक है अडोप फोटोशॉप की यह एक एप्लीकेशन होती है आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एक थमनेल का जो मोहम्मद आमिर का थम नेेल होगा ठीक है उस थम को आपने सेलेक्ट करना है ये वाला एक थम नेल होगा आमिर का ठीक है इसको आपने डाउनलोड करके क्या करना है यहाँ ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है यहाँ ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड फोटो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और नीचे आपने फाइल मैनेजर में आना है ठीक है जो भी आपने चीज़ डाउनलोड की होगी यहाँ से आपने वो वाली फ़ोटो ऐड कर लेनी है ठीक है वो फ़ोटो ऐड करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये फ़ोटो आ जाएगी ठीक है इस फ़ोटो को इस तरह से आपने क्लिक कर देना है ठीक है इस थंबनेल को आपने क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस टाइप से ये ओपन हो जाएगी लाइट रूम में ठीक है बिल्कुल इजी वे में सिखा रहा हूँ आपने ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो कॉपी सेटिंग लिखा हुआ है ठीक है कॉपी सेटिंग इतना करने के बाद आपने ऊपर टिक के बटन पे क्लिक कर देना है इसकी सेटिंग जो है वो कॉपी हो गई ठीक है कॉपी करने के बाद आपने फ्रेंड सिंपल बैक आना है बैक आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नीचे ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है ठीक है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जो अभी आपने फ़ोटो सेव की है वहाँ से पिक साट से उसको सेलेक्ट करना इस तरह से नीचे से ऐड कर देना तो ये भी थंबनेल नेल यहाँ पर ऐड हो जाएगा हमारे सामने ठीक है ये देख सकते हैं ऊपर ऊपर आ चुका है इसको इस तरह से क्लिक करना है ठीक है इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा और आपने ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट सेटिंग कर देनी है जो वहाँ से सेटिंग कॉपी की थी और वो यहाँ पर पे पेस्ट कर देनी है इसको पेस्ट करने के बाद अगर थंबनेल की क्वालिटी ज़ीरो से हंड्रेड परसेंट पर जाती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना ठीक है दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना तो यहाँ पर हम इसको करते हैं पेस्ट तो आप यहाँ पर क्वालिटी देखना अपने थम की ये देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से हमारे थंबनेल की क्वालिटी यहाँ पे बढ़ चुकी है एकदम असम तरीके से तो ये काम सिर्फ यहाँ पे हो सकता है लाइट रूम में तो लाइट रूम को ओपन कर लेना ठीक है फेसबुक से ये लॉगिन मांगता है तो आपने फेस अपनी फेसबुक से लॉगिन कर लेना और यहाँ से शायद ई भी मांगे तो ई भी दे देना मैंने सोचा ये आपको बता दूँ आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना यार एक कॉपी पेस्ट है आपका थम इस तरह से बनता है तो लाइट रोम को आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार क्योंकि मेरा अपना मोबाइल भी लो क्वालिटी का लो डिवाइस है तो इसलिए आपको कह रहा हूँ लाइट रोम कर लेना कोई एक और एप्लीकेशन को डिलीट करके अन इंस्टॉल करके ठीक है ओके उसके बाद आपने इसको ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव कॉपी टू डिवाइस इसकी कॉपी जो है वो कह रहा है आप एक कॉपी अपनी डिवाइस में भी सेव कर लो तो भाई ओबियसली हम करेंगे क्योंकि थंबनेल लगाना है तो इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे ये सेफ़ भी हो चुकी है ओके पे क्लिक करते हैं हमारा थम बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है देख सकते हैं बहुत सारे थामनेल मैंने यहाँ पर बना के रखे हैं तो आपको एक थंबनेल मिलेगा डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करना डाउनलोड करके उसकी सेटिंग कॉपी करना यहाँ पे सेटिंग पेस्ट करना थंबनेल नेल यूट्यूब पर लगाना अगर आपके व्यूवर्स इससे बढ़ते हैं तो मुझे ज़रूर बताना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब मस्ट करना अलाफ़